हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। नहीं है, जस्ट एक कुछ बोल ही आ रही हूँ। वैसे तो आप लोग ब्लॉग व्लॉग देखते नहीं हो, लाइक वैक नहीं करते हो, ऐसे आते हो कमेंट, कुछ लोग सब लोग नहीं कुछ लोग कमेंट करके चले जाते हो या फिर ये करने के लिए आते हो मेरे ब्लॉग में, आ जाओ ये आ जाओ। आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इंसान है ना, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने ब्लॉग आज भी शूट नहीं किया, नहीं दे पाऊँगी, कल भी नहीं दे पाऊँगी, कल तो यही जाएगा छोटा सा। जस्ट आप लोगों को सिर्फ एक मतलब क्या बोलता है, कुछ बोलना चाह रही हूँ मैं। अपने लाइफ बच्चे को इग्नोर करके थोड़ा सा मतलब काम को मतलब बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट करके थोड़ा सा टाइम निकल के आप लोगों के पास आती हूँ। आप लोगों का ब्लॉग देखने बहुत टाइम लगता है, कि इंसान का ब्लॉग देखना लाइफ में भी नहीं जा सकते, मैं खुद की भी लाइफ नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग आके मेरे ब्लॉग का जो सत्यानाश करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ बोलना ही सकती या कुछ मतलब बोलते ना, पत्थरों पे सिर पटकने से खुद का सर का ही होगा, पत्थर का कुछ नहीं हो जाता है। वही चलो छोड़ दिया है, बट स्टिल आप लोग मतलब थोड़ा सा इंसानियत रखिए, इंसानियत की तरह ही। आप लोगों को फुल बिना स्किप किए फुल ब्लॉग देखना आप लोग बोलते हो, मैं तो वो भी अभी बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोग करते तो नहीं हो, ज़्यादातर कुछ करते हैं, लेकिन मेरा सर इतना फट रहा है। मैं अभी कैमरे के अंदर मतलब बोलने के लिए भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के हरकत ने मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, चलो छोड़ दिया। कुछ दिन मैं रेस्ट करना चाहती हूँ ना, मैं ब्लॉग रेडी नहीं कर पा रही हूँ। हर्षिता को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो, आज हर्षिता को टाइम, पूरा दिन हर्षिता को टाइम दिया। हम लोग सिर्फ माँ बेटी, ना किसी का ब्लॉग देखी ना मैं खुद ब्लॉग बनाई, तो थोड़ा सा मतलब यही बोलना चाहती हूँ। अभी भी मतलब लोग बोल रहा है कि आ जा मेरे ब्लॉग में, नहीं अरे कॉमेंट वोमेंट में आ जाते हैं ना, मैं यही बोल रही हूँ कि तबीयत इतना ख़राब है, उंगली टूट गया है, ये तो टूट गया तो नहीं मतलब पूरा फूल गया है। हर्षिता को पकड़ने गए थे तो पूरा उंगली मतलब बेड पर वॉल पे लग गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था, और दर्द की वजह से सर भी बहुत दर्द हो रहा है ना। मैं किसी की ब्लॉग देखने के लिए ना एक मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे भी देखे कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लोग ब्लॉग में आते नहीं हो, वो भी नहीं करते हो, चलो छोड़ दिया है। देखती हूँ ब्लॉग, कुछ दिन में रेस्ट लेना पसंद करूँगी, और मतलब कमेंट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है वो क्या बोलते हैं वो वाला। थोड़ा सा इंसानियत रखिए, और ये भी सोच लीजिए कुछ कुछ लोग ऐसे होता है ना, आके सिर्फ बोल देता है कि मेरे ब्लॉग में आ जाओ, मेरे ब्लॉग में आ जाओ। मैं किसी की ब्लॉग में जाके नहीं कहती हूँ मेरे ब्लॉग में आ जाओ, ना मैं किसी को बोलती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग देखा क्या, मैं किसी को भी नहीं बोलती। आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जो नहीं करना है मत कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे आप लोगों को एक लाइक देने में तो प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग मेरा फुल ब्लॉग देखोगे या फिर चलो नहीं बोलती हूँ, बोल के फ़ायदा नहीं है। पत्थरों पे से सर फटकने से मैंने खुद की यार हालत बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा मेंटल कंडीशन भी मुझे थोड़ा सा खुद, बहुत दिन हो गया है खुद से बहुत दूर हो गई हूँ, काम 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 काम, थोड़ा सा बच्चा फैमिली खुद को देना चाहती हूँ। चलो ब्लॉग नहीं बनाए, जस्ट थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों को बोलने के लिए। ये मत बोलिए, मुझे मेरे सपोर्ट है, आप लोग मुझे जो जो लोग टैग करते हो ये करते हो वो करते हो, मुझे फुल सपोर्ट है, लेकिन हाँ मैं कुछ तो मैं आप लोगों का ब्लॉग बाद में मैं देख सकती हूँ, मेरे नोटिफिकेशन में है, बाद में देखूँगी मैं। अब मुझे पता है जब मैं जिस दिन मैं नहीं देखती हूँ दूसरे दिन मैं सारा ब्लॉग में देख लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ दिन संडे तक मैं फ्री रहना चाहती हूँ, पूरा फ्री रहना चाहती हूँ किसी के। आप लोग अगर आप लोग मेरे शुभचिंतक हो या अगर आप लोग मेरे अच्छा चाहते हो तो इतना तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। थोड़ा सा तबीयत वबीयत भी ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है पूरा, मतलब आप तो जानते हो मैं डेली ब्लॉग देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा फिजिकली भी मेंटली भी बहुत ही मतलब स्ट्रेस तनाव हो रहा है ना, मैं हैंडल नहीं कर पा रही कुछ भी, मेरा हैंड मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। सो कुछ दिनों के बाद देखती हूँ जो भी होता है। थैंक यू।